सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कैसे आप इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एडवर्ड कैंपेन के थ्रू अपनी वीडियो ब्रांड और कुछ भी जो कि सोशली प्रमोट हो सकता है उसको आप प्रमोट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा YouTube एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और Facebook एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कैसे प्रमोट करना है अपने कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड या वीडियो को। सो गाइस, अब वीडियो शुरू करें। सो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे YouTube एडवर्टाइजमेंट के बारे में, जहाँ पे मैं आपसे शेयर करता हूँ यही कुछ YouTube एडवर्टाइजमेंट कुछ सैंपल्स, जहाँ पे एक रिव्यू है, जहाँ जैसे कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका जो ऐड है वो YouTube किस तरीके से ऑडियंस को शो करेगा। जहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा यूट्यूबर्स के लिए कि वो स्केपेबल नॉन स्केपेबल की जगह लोडिंग एड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जहाँ पे जो आपका ऐड है वो सर्चिंग में, जैसे कि मैंने सर्च किया टेक ट्रुथ्स, जिसको आप पहले ही नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और कमेंट करके मुझे सजेशन दो कि अगले वीडियो में आपको किस टाइप का कंटेंट देखना है। सो अब हम बात करते हैं YouTube जो आपका ऐड है वो किस तरीके से प्रेजेंट करने वाला है। सो जैसे कि आपने सर्च किया टेक ट्रुथ्स, सो मेरे बहुत सारे वीडियोस आपको सर्चिंग में आगे मिल जाएंगे। सो अगर आपको अपने वीडियो का ऐड उधर चाहिए, सो अगर आपका वीडियो टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे है, सो उधर ही नीचे ऐड लिख के आपका वीडियो उधर शो हो जाएगा। सो अभी हम बात करेंगे कि इसका जो कॉस्ट है वो कितना रहता है। तो इसका कॉस्ट रहता है मिनिमम $10 टू मैक्सिमम $700, $800, इतना इसका मैक्सिमम बजट रहता है। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे देना है, जिसकी लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उधर से जाके आप अपने वीडियो का एडवर्टाइजमेंट YouTube पर दे सकते हैं। पर अगर आपको इंटरमीडिएट सोर्स से जाना है, सो यू कैन मेल मी एट माई Gmail अकाउंट, जहाँ से मैं आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं आगे प्रोसेस कर दूंगा। जिसके लिए फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन मेल मी एट amit1161joshi@gmail.com, जिसकी लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अब हम बात करते हैं Facebook एड्स के बारे में, जहाँ पे Facebook पे किस टाइप के एड शो होते हैं। सो Facebook का जो जनरली एड बेस है, वो जो एड प्रोसीजर है, जो एड कंटेंट है, जो प्रीव्यू होगा, वो एज सेम एज Instagram की तरह रहेगा। फ़र्क इतना रहता है कि Facebook में जो है वो आप अपने वीडियो का जो लिंक है वो भी उधर डाल सकते हो, उसको बूस्ट कर सकते हो। पर इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक 6 to 7 days के टाइम पीरियड के लिए इस ऐड को रन करें, तभी आपको Facebook से कुछ जो आउटकम है वो मिलेगा। सो गाइस, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जहाँ पे मैंने भी अपना जो वीडियो है वो Facebook पे बूस्ट किया था, जिसको बोलते हैं प्रमोशन, Facebook की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं बूस्ट कंटेंट। सो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि मैंने किस टाइप में बूस्ट किया, तो मुझे क्या क्या आउटकम मिला। जहाँ पे यहाँ पे 1200 का लिखा हुआ है कि इतने पीपल तक मेरा वीडियो पहुँचा है, जो कि इसकी इनसाइट्स मुझे ये बताती है। पर Facebook पे मुझे इतना रिटर्न नहीं मिला जितना मुझे Instagram पे मिला। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप Facebook पे अपना ऐड रन कर रहे हो, सो आप उसको एक टाइम तक चला करके, तभी आपको Facebook से कुछ आउटकम मिलने वाला है। और अगर आप उसको 1 से 2 दिन तक चलाते हो, तो उससे आपको कुछ आउटकम नहीं मिलने वाला है, वो एक वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। जहाँ पे इसका भी बजट सेम रहेगा एज Instagram, 80 rupees से 20,000-25,000 इतना रहेगा। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही कंटेंट है। अगले वीडियो में मुझे बताओ कि आपको क्या कंटेंट देखना है, नीचे कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही मिलेगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।